हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यह बात बहुत ही अजीब है कि जनसंख्या एक संसाधन हो सकती है। देखिए, जनसंख्या संसाधन कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात सच्चाई है कि किसी देश की जनसंख्या जितनी होती है वो एक तरह के संसाधन के रूप में देखा जाता है। और हमारा टॉपिक जो आज आया है, जो चैप्टर आया है, वो भी इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है कि जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। भारत में अगर मिनरल की कमी है, लेकिन भारत में एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसको विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक संसाधन के रूप में है, क्योंकि जनसंख्या भी एक संसाधन के रूप में हो सकता है। अगर यही बात के अंतर्गत हम पहली पॉइंट की बात करें, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आम तौर पर आबादी का मतलब लोगों का एक संग्रह या संख्या से है। आबादी का मतलब यही होता है कि लोगों की संग्रह कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है। आइए नीचे दिए गए बॉक्स में जनसंख्या के अर्थ को पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि जनसंख्या का अर्थ विभिन्न संदर्भ में अलग अलग ही होता है, और जनसंख्या का अर्थ विज्ञान और जीव विज्ञान के पाठ्यपुस्तक में बिल्कुल ही अलग है। अगर हम सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पाठ्यपुस्तक तुलना करें तो बाद में यह सीखेंगे कि जनसंख्या की इस प्रकार का अर्थ अलग है, यानी जनसंख्या का अर्थ जो है अलग होता है। क्या आपको पता लगाना पसंद करोगे क्या है, यानी आप इसको पता लगा पाओगे? पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए जनसंख्या की किताब को देखें। जनसंख्या की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण किताब होती है, जिसमें हम वर्तमान पाठ में हम जनसंख्या शब्द का प्रयोग जो है मानव समूह या मानव संख्या के रूप में किया जाएगा। जनगणना में भी यही अर्थ लिया जाता है कि प्राथमिक तौर पर जनसंख्या का मतलब लोगों के समूह की संख्या से है कि लोग कितनी समूह संख्या एक साथ रह रही है। परंतु जनसंख्या एक संसाधन या मानव संसाधन रूप में भी माना जाता है कि जनसंख्या एक संसाधन या मानव संसाधन भी हो सकता है। अब बात यहाँ पर करें सबसे पहले पॉइंट, जैसे संसाधन क्या है, आखिर संसाधन होती क्या है। कहते संसाधन की अगर हम बात करें तो वह यह है जिसमें इस्तेमाल और पुण्य इस्तेमाल किया जा सके, यानी इस्तेमाल और पुण्य इस्तेमाल करने का प्रावधान होता है वह संसाधन होता है। कमरे में चारों ओर देखें हम विभिन्न वस्तुएं जैसे लकड़ी के सामान, किताब, कापियां, कलम, अन्य पाते हैं, और हम उन्हें अपने संसाधन के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ लिखना हो तो आप उंगलियों से नहीं लिख सकते, आपको इसके लिए पेन की आवश्यकता होगी, फिर हाथों से आप लिखोगे। अगर वो पेन नहीं होगा तब लिखोगे कैसे? तो ये संसाधन है। ये सारी चीज़ें जो आप चंद सेकंडों में कार्य प्रणाली पर कंप्लीट कर लेते हो, सब संसाधन है। आप पंखे चलाते हो, आपको गर्मी लगती है, तो ये संसाधन है। हमारी ज़िंदगी को जो जितने चीज़ आसान बनाती है वो सारे के सारे जो होते हैं संसाधन होते हैं। हम उन्हें अपने संसाधन रूप में देख सकते हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग और पुण्य उपयोग भी कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहली बात, जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो बात जानना पड़ेगा कि जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ निकलता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाता है, यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के तौर पर कोई भी जगह हो सकता है, गाँव हो सकता है, शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, विश्व की जनसंख्या हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है किसी भी समूह, नस्ल, वर्ग या श्रेणी के लोगों की कुल संख्या। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक समूह जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, तो ये सारे के सारे जो हो सकते हैं एक संसाधन के रूप में, जनसंख्या के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है जीव विज्ञान में किसी भी नस्ल की अंतर प्रजनन जीवों के सम्मिलित कुल संख्या, उदाहरण बाघ, हिरण आदि की संख्या। तो ये सारे के सारे शब्द जो है जनसंख्या के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो है विचारधारा है, एक महत्वपूर्ण जो है अर्थ है। आइए अब हम उनके स्रोत का पता लगाएं कि आखिर ये संसाधन क्या होती है। कहते हैं उन संसाधनों में बनाए गए हैं जिन्हें हम प्राकृतिक से पाते हैं। अगर बात करें फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया है जो हम जंगल से प्राप्त करती हैं। पुस्तक और कापियाँ भी जंगल से ही आते हैं, जैसे लकड़ियों की जो है गुद्दी से बनती हैं। कलम प्लास्टिक से बनाया जाता है जो पेट्रोल का गोंद
उत्पाद है। कप जो है मृदा से बनाई जाती है, यानी मिट्टियों से कप का जो है निर्माण होता है, जिसे हम मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये और इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें हैं जो हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा है, हम उन्हें प्राकृतिक संसाधन से ही निकालते हैं। यानी देखा जाए तो हम जितने भी दैनिक उपयोग करते हैं, जितने भी संसाधन हैं, सब के सब जो है प्राकृतिक से ही हमें प्राप्त होती है। अगर प्राकृतिक में ये चीज़ नहीं रही तो ये हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। कहते संशोधित करते और निर्मित भी हम कर लेते हैं बहुत आसानी से, और यह मानव है जो शारीरिक और मानसिक प्रयोजन से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगिता की वस्तुओं में बदल देता है। यानी मानव ही है जो इन संसाधन को जो है बहुत आसानी से हमारे उपयोग के लिए बदल देता है, और ये सब नेचर से ही हमें प्राप्त होती है और कहीं से प्राप्त ये नहीं हो सकती। आज जितने भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसका रूप जो है प्राकृतिक में ही मिलेगा, और ये प्राकृतिक से ही बनाई जाती है। हम सिर्फ जो है उसका आकार, रूप, रंग चेंज कर देते हैं, उसको गुण को चेंज कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो सारे चीज़ें जो होती हैं हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है। यदि संसाधन खास वस्तु है जिसका उपयोग और पुण्य उपयोग किया जाता है, तो जनसंख्या एक संसाधन कैसे माना जा सकता है? अगर देखा जाए कि संसाधन एक खास वस्तु होती है, फिर जनसंख्या को हम कैसे जो है संसाधन के रूप में देख सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि अनाज खेतों में उपजता है, खनिज खनन किया जाता है, खानों में वस्तुएँ बनाई जाती है, और ये सभी मानव द्वारा किया जाता है। आप समझ गए, अगर कोई खेतों में अगर खेती होती है तो खेती अपने आप तो नहीं हो सकती ना, खनिज जो है खनन से कैसे निकाला जाएगा, खुद तो नहीं निकलेगी। तो इसके लिए हमें मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है, और ये सभी मानव द्वारा ही किया जाता है। और देश के लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सेवाओं का उत्पादित एवं विकसित करते हैं जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती है। ये सुविधाएं चाहे यातायात का साधन हो, स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल हो, बिजली घर हो, सिंचाई आदि कोई भी आधारभूत संरचना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सारे के सारे संसाधन होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो आप समझ गए ना कि मनुष्य संसाधन क्यों हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह पर अगर व्यक्ति नहीं है तो वहाँ के सामानों का भी उपयोग करना असंभव नहीं है, क्योंकि जब तक मानव संसाधन नहीं होंगे किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करना स्वाभाविक बात ही नहीं बनती है। उत्पादन के लिए ऐसी सुविधाओं के विकास और उन्हें उपयोगी संसाधनों में परिवर्तन करने के लिए मनुष्य सबसे अच्छा संसाधन की भूमिका निभाता है। बिना मनुष्य के अन्य संसाधनों का सही ढंग से विकसित और उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए संख्या के साथ साथ लोग गुणवत्ता दोनों ही देश के वास्तविक और स्वच्छ संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो इंसानों के जो गुण हैं, गुणवत्ता है और जो उनकी भूमिका है, वही संसाधन के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की मात्र संख्या जो सर्वाधिक अंतराल पर जनगणना द्वारा निर्धारित किया जाता है और भार हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता जनसंख्या देश के मानव पूंजी बन जाता है, और मानव संख्या को मानव पूंजी में परिवर्तन करने के लिए देश के लोगों की संख्या एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सही शिक्षा और विशिष्ट प्रशिक्षण एवं उनके जीवन में गुणवत्ता बदलाव लाने के लिए देश के बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। मानव के जीवन में गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार एवं समाज द्वारा किया गया निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, और यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरूप जो है विकसित हो और देश के विकास की प्रक्रिया उन्हें काम करने का मौका प्रदान किया जाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मानव संसाधन के विकास के रूप में एक वस्तु और विकास में भागीदारी है। जैसे कि पहले की चर्चा किया जा चुका है कि मानव संख्या जो है संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक जो मानव संख्या उपयोगी साधन में परिवर्तन कर देता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप समझ गए होगी मानव संख्या संसाधन नहीं है, लेकिन उनका गुण, उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो संसाधन हो सकती हैं। अगर मान लीजिए अगर यही हम बात करें कि संसाधन मनुष्य है, डायरेक्ट अगर ये बात को हम आपको समझाएं कि संसाधन जो है मनुष्य है, तो लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने लग जाएंगे और जनसंख्या की वृद्धि इतनी कर देंगे कि जो यहाँ पर जीवन रहने के लिए भी संभव नहीं रहेगा। तो जनसंख्या कभी भी संसाधन नहीं हो सकती है, लेकिन मनुष्य के गुण, उनकी उपयोगिता, उनकी अकल, उनकी समझ, वो संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये तब होगा
जब जनसंख्या कम रहेगी। मान लीजिए एक माता पिता के चार बच्चे हैं और एक माता पिता के सिर्फ एक या दो बच्चे हैं, अब किनका संसाधन अच्छा रहेगा? मान लीजिए उनके पास चार बच्चे, बल उन्होंने कोई अच्छा एजुकेशन ना दिया, कोई उनके उनका स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ध्यान देना संभव ही नहीं था, तो उनके बच्चे जो होंगे कमज़ोर होंगे और देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिनके पास दो बच्चे, उन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया, उन्होंने अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया, बहुत अच्छा इंसान बनाया और बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, बड़े बड़े वकील बन गए, जज बन गए, तो अगर मान लीजिए तो ये संसाधन हुए कि पाँच बच्चे वाला संसाधन हुआ? तो यही बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है कि संसाधन का मतलब जनसंख्या बेशक ली है, लेकिन जनसंख्या तब संसाधन के रूप में कार्य करेगी जब वह स्वास्थ्य, अकलमंद, बुद्धिशील रहेगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं पांच अगर बच्चे जन्म दे रहे हो तो इसका मतलब उनका पालन पोषण बहुत ही माता पिता के लिए दुष्कम कार्य हो जाता है। लेकिन वही अगर दो बच्चे हैं, अगर उसको अच्छा देश के विकास में, अपने विकास के लिए करना चाहते हो तो अच्छे से अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता होगी। तो ये संसाधन के रूप में आने वाला समय में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जनसंख्या अधिक करने में संसाधन नहीं हो सकता है, जनसंख्या जितनी कम रहेगी उतनी उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो देश का संसाधन बन सकता है। उसके पश्चात एक पॉइंट आता है मानव, देखिए मानव पूंजी। कई वर्षों में कर्मचारियों और कारोबार में जुड़े व्यक्तियों के वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द में बदलाव आया है। हम कर्मचारी से मानव संसाधन, मानव पूंजी इस्तेमाल करने लग गए हैं। आर्थिक संदर्भ में मानवीय गुणों के मानव पूंजी में दर्शाए हैं एक व्यक्ति में सन्निहित कौशल और तकनीक ज्ञान मिश्रित रूप में संबंधित है। तो मानव पूंजी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि मानव पूंजी तभी बन सकती है जब वो स्वास्थ्य, ज्ञानी और जो है समझदार हो और कुछ अच्छे पोस्ट पे आके देश के नाम को उज्जवल करे, तब संसाधन हो सकता है। लेकिन वही जो कमज़ोर है, जो अपराध कर रहे हैं, जो देश के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं, तो वो संसाधन के रूप में कभी नहीं देखा जा सकता। उसके पश्चात है जनगणना। देखिए जनगणना जो होती है किसी भी दिए गए जनसंख्या कुल इकाइयों से सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीकों से अभिलेखित प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। तो जनगणना आप समझ गए होंगे, किसी भी दिए गए जनसंख्या कुल इकाइयों से सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। और इस शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक 10 वर्षों में एक अंतराल पर राष्ट्रीय स्तर पर घर घर की जनगणना के रूप में किया जाता है। लोगों के विभिन्न जनसंख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक संदर्भ के बारे में राज्य की सहायता से भारत सरकार द्वारा आंकड़े एकत्र भी किया जाता है। तो जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे देश की जनसंख्या का पता लग जाता है और जनसंख्या के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए जाते हैं इनके विकास के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनसंख्या के मानव संसाधन बनने के कारक। देखिए मानव अगर जनसंख्या के संसाधन के कारक बन रहे हैं तो देखा जाए जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ऊपर दी चर्चा के आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित करती है। जैसे मैंने आपको समझाया भी है कि जब तक व्यक्ति शिक्षित, स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति और उसका प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में वो गुणवत्ता नहीं हासिल कर सकता है। लेकिन इनके अलावा जो है सामाजिक जनसंख्या कारक प्रमुख है जिनके प्रभाव जनसंख्या के संसाधन के रूप में पड़ता है, वो है जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के वृद्धि और जनसंख्या की संरचना। ये तीनों कारक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो जनसंख्या के मानव संसाधन बनने के कारक हैं और ये काफ़ी हद तक इसको प्रभावित भी करते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है जनसंख्या का वितरण। देखिए जनसंख्या का वितरण कई कारकों पर डिपेंड करता है। लोग किसी भी क्षेत्र में प्रलयन कर जाते हैं उनके कई कारण होते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं देखना पसंद अधिक करते हैं। अगर हम करें जनसंख्या का वितरण का तो कहते हैं साधारण चाहे प्राकृतिक हो या कोई अन्य, उनका वितरण एक सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए जंगल या लौह अयस्क या कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन दुनिया में सामान्य रूप से वितरित नहीं है और हमारे अपने देश में वितरण में एकरूपता भी नहीं देखने को मिलता है। मानव संसाधन के साथ भी यही मामला है, ये दुनिया में हर जगह सामान्य रूप से नहीं फैले हुए हैं और इनकी संख्या बदलते ही रहते हैं। एक क्षेत्र में आबादी का प्रसार को जनसंख्या वितरण कहते हैं, चाहे वो एक राज्य हो या पूरा देश। निम्न दिए गए भारत के मानचित्र पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिलचस्प सा लगेगा।
यह दर्शाता है कि जनसंख्या का वितरण भारत में विभिन्न राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार से वितरित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। इस बिंदुओं द्वारा लिखा गया, यानी इसको बिंदु द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया है, और बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बिंदु 500,000 लोगों को प्रदर्शित करता है, यानी एक बिंदु 500,000 को प्रदर्शित करता है। तो आप समझ सकते हो जितना डेंस होगा उतनी जनसंख्या अधिक होगी। आप देखेंगे कुछ राज्यों में बिंदु की संख्या कम है जबकि उनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, और जिसका मतलब है कि उन राज्यों में जनसंख्या दूर दूर या साधारण जो है विस्तार है, परंतु कुछ राज्यों में बिंदु एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है। तो इतने करीब कि मानचित्र द्वारा भाग बिंदु से रंगा हुआ सा लगता है। इनमें जनसंख्या का विस्तार बहुत सघन है और यह कम आबादी, मध्य आबादी और धन आबादी वाले राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची तैयार करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मानचित्र को देखते हैं और बिंदुओं से पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या हो सकती है। ये जो आपके स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़ा तो 2001 की है, लेकिन अगर 2023 तक की बात करें तो ये आंकड़े बहुत ही चेंज हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कुछ ही क्षेत्र में जो है डॉट डॉट जो है एक रंगे हुए रूप में दिख रहा है, यानी आप पंजाब देख ले, दिल्ली देख ले, कोलकाता देखिए, केरला देखिए, मुंबई देखिए, तो यहाँ पर डॉट ही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर रंगा हुआ एरिया नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। इवन कि जो बिहार साइड आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत काफ़ी घना डॉट दिख रहा है। एक डॉट का मतलब होता है 500,000, तो आप समझ सकते हो। और कहीं कहीं कितने क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही विरल है, ठीक है, कहीं कहीं तो बहुत अधिक है और कहीं कहीं विरल है। तो ये मानचित्र भी बहुत बात समझाने के लिए पर्याप्त है, और इस मानचित्र से ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या का वितरण जो है एक सामान्य नहीं है। जैसे प्राकृतिक संसाधन का वितरण एक जैसा नहीं है प्राकृतिक में, उसी तरह जनसंख्या का वितरण भी एक सामान्य नहीं है। कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या विरल है। तो ये मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। आगे जो हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, जनसंख्या का घनत्व। देखिए जनसंख्या का घनत्व काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर किसी भी दो राज्य के बीच जनसंख्या वितरण की तुलना में बहुत ही रोचक होगा। क्योंकि अगर हम दो राज्यों की तुलना करें तो एक में बहुत ही कम जनसंख्या होगा और दूसरे में अधिक जनसंख्या होगा। इसका कारण यही है, कुछ चीज़ें हैं जो जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए जनसंख्या के घनत्व के अंतर्गत तो ये काफ़ी महत्व रखता है। किसी राज्य में जो है जनसंख्या कम होगी तो किसी राज्य में जनसंख्या अधिक होगी। चलिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य जैसे चित्र में भी को ही देखें, इनमें जनसंख्या प्रसार का प्रतिरूप भिन्न है। सामान्य जन दौराने पर लगता है कि महाराष्ट्र की तुलना करने पर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज़्यादा है। देखिए महाराष्ट्र की तुलना करने पर अगर हम पश्चिमी बंगाल की संख्या देखें तो ज़्यादा है, परंतु ये सही नहीं है। महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में ज़्यादा है, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक जनसंख्या है और बंगाल में जनसंख्या कम है। अगर आप मानचित्र देखो तो इसका उल्टा दिखता है कि महाराष्ट्र में जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में अधिक है। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र को अधिक जनसंख्या क्यों कहा गया? दोस्तों बात समझने वाली ये है कि अगर महाराष्ट्र में जनसंख्या अगर आपको कम दिख रहा है, मैप में कम दिखा है, तो इसका कारण है इसका क्षेत्रफल भी तो मान्य रखता है, लेकिन बंगाल में देखा जाए तो वहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या में अधिक नज़र आती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रफल अधिक है इसलिए जनसंख्या कम नज़र आती है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में सबसे अधिक है। तो यह बात आप समझ गए होंगे कि फलस्वरूप जनसंख्या की स्थिति को केवल उनके संख्या के आधार पर मानकर हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्षेत्रफल का भी विचार करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि किसी भी देश, प्रदेश या देश की संख्या की तुलना जनसंख्या घनत्व द्वारा किया जा सकता है। यदि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का अगर हम मतलब जाने तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से आंकी जाती है कि जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति इकाई क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति की संख्या निवास करता है, और यह आमतौर पर लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
और इसे गणना के लिए सूत्र भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या का धनत्व और एक परिभाषा क्षेत्र इकाई में लोगों की कुल संख्या और उसी क्षेत्र विशेष पर कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या धनत्व का फॉर्मूला भी काफ़ी दिलचस्प है। चलिए एक एग्जाम्पल के अंतर्गत इसको समझने की हम कोशिश करें। अब देखिए बात करते हैं जनसंख्या की निर्धारित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में उच्च कुल क्षेत्रफल विभाजित किया जाता है। यह प्रति वर्ग किलो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या बताता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जिले की जनसंख्या जो है 250,000 है, एक जिला की जनसंख्या 250,000 है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल जो है 1000 वर्ग किलोमीटर है। अब इस जिले की जनसंख्या के घनत्व की गणना इस प्रकार किया जा सकता है कि जैसे कि अगर 3 जीरो है इसको नीचे रखिए, यानी 1000 को नीचे रखिए और 250,000 को ऊपर रखिए, 3 जीरो को काट दीजिए, अब देखिए कितना रह जाता है, सिर्फ 250 रह जाता है। यानी जनसंख्या का घनत्व जो हुआ 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये जो होता है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि हम अब जैसे आपको समझाने की कोशिश भी किया था कि कोलकाता में यानी जो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या कम है क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के अंतर्गत जनसंख्या बहुत अधिक है। बेशकली आपको मानचित्र में ये लग रहा होगा कि सबसे अधिक डॉट जो है पश्चिम बंगाल में नज़र आ रही है और महाराष्ट्र में बहुत कम डॉट नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करना। अब इस मानचित्र में भी आप भली भांति समझ सकते हो कि भारत जनसंख्या घनत्व 2001 के जनगणना के अनुसार, और ये क्वेश्चन कई मानने में एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी फेवरेट रहा है और हमेशा ये पूछता है सबसे कम जनसंख्या वाले देश राज्य और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो यहाँ पर आप भली भांति समझ सकते हो कि अधिक जनसंख्या जो है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर कम जनसंख्या की अगर बात हम करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी नज़र आ रहा होगा और जम्मू कश्मीर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है और काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। ये मानचित्र भी आपको काफ़ी समझा सकता है और एग्जामिनर के पूछे गए सवाल या तो कम होता है जनसंख्या या अधिक होता है। तो इसके लिए आप इस बात को लिए समझ सकते हो कि अधिक जनसंख्या कहाँ है और कम जनसंख्या कहाँ है इस मानचित्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को कौन कौन से कारक हैं जो काफ़ी प्रभावित करती है। देखिए जनसंख्या का वितरण असामान्य क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जनसंख्या का वितरण असामान्य क्यों है। अगर सही बात करें, अगर हम जाने तो आप जर्नली सी आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनसंख्या का वितरण एक सामान्य इसलिए होता है क्योंकि आपने बात नोट किया होगा कि जनसंख्या वही निवास करती है जहां पर उनको संसाधन मिलता है। अगर मान लीजिए संसाधन आपके पास नहीं है तो आप इस क्षेत्र में रहोगे कैसे। कहते हैं आज भागा भाग जिंदगी में, आज इतनी मॉडर्नाइज दुनिया है, वहाँ पर अगर संसाधन न हो तो लोगों को जो है चंद सेकेंडों में ही मृत्यु हो जाती है, चंद सेकेंडों में बहुत कुछ हो जाती है। इसलिए लोग संसाधन की तलाश में जो है किसी विशेष क्षेत्र में ही निवास करते हैं। और यह मानव प्राकृतिक है कि जहाँ संसाधन आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। और इन संसाधनों में मीठी पानी भी हो सकती है, उपजाऊ मिट्टी भी हो सकती है, भोजन भी हो सकता है, आश्रय भी हो सकता है और काम के अवसर आदि भी हो सकता है। और इन संसाधनों की उपलब्धता जो है भौगोलिक विशेषताओं द्वारा प्रभावित करता है जो असामान्य वितरण के कारण है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी असामान्य है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रमुख वर्गों में रखे सकते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक। चलिए इन दो प्रमुख प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो पहला हमारा है प्राकृतिक कारक। यदि हम बात करें प्राकृतिक कारक की तो कहते हैं जनसंख्या के वितरण को घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारक यानी उच्चेवाच, जलवायु और मिट्टी। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर बात हम करें उच्चेवाच की तो आप पहाड़ी क्षेत्र या नदी घाटी और सपाट मैदान इलाकों की दौरा कीजिए और आप क्या देखते हो कि पहाड़ी की तुलना में
जो मैदानी भाग है उनमें जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है। आप इस बात को साफ देखोगे कि मैदान की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम है, यानी मैदान की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम नजर आएगा। और किसी भी दिए गए क्षेत्र या उच्च और निम्न ऊंचाई के ढाल के बीच का अंतर उच्च बाज कहलाता है, यानी उच्च और निम्न ऊंचाई के ढाल के बीच के अंतर को हम उच्च बाज कहते हैं, उसे इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। और ये उच्च बाज ढाल वही की सुगमता को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जो क्षेत्र ज़्यादा सुगम हो वह लोगों द्वारा बसावट से भरी होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि सपाट मैदान में ज़्यादा बसावट देखी जा सकती है, जबकि विहर उच्च वाले पर्वतीय और पठारी भाग ऐसे नहीं हैं। अगर आप जनसंख्या के घनत्व और वितरण के उत्तर मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की तुलना करें तो आपको उच्च बाज का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वहाँ निवास करती है जहाँ पर जो है सपाट जमीन होती है, सपाट मैदान होती है। और इस आप चित्र में भी देख सकते हो कि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला कारक पर्वत, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, तो ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है, जो आपके जो है स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए, जलवायु जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु की स्थिति भी होती है। अनुकूल जलवायु मनुष्य के रहने के लिए सुविधाजनक स्थिति प्रदान करती है, वही जनसंख्या के उच्च घनत्व एवं क्षेत्रों में ज़्यादा है जलवायु अनुकूल पाई जाती है। लेकिन कठोर जलवायु अर्थात बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत सूखा, बहुत नम क्षेत्रों में कम घनत्व वाले लोग रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते हैं बिल्कुल ही इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। भारत में शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान एवं अवधि ठंडा क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में निम्न जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। तो जलवायु जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है कहीं भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए। उसके पश्चात आता है मिट्टी यानी मृदा। देखिए, मनुष्य कृषि के लिए मिट्टी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए उपजाऊ मृदा के क्षेत्रों में बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकता है। और यही कारण है कि उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में जैसे उत्तर भारत और तटीय जलोद मैदानों में जनसंख्या के उच्च घनत्व होते हैं, और दूसरी ओर कम उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुल हिस्सों में जनसंख्या का कम घनत्व होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या का घनत्व यानी मृदा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है जनसंख्या के असामान्य वितरण के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक आर्थिक कारक। कहते हैं जनसंख्या का घनत्व वितरण जो है निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली अगर बात हम करें औद्योगिक और शहरीकरण, तो औद्योगिक और शहरीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप हमेशा देखते ही हैं कि उद्योग धंधे वाली जगहों पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, तो जनरल सी बात है जहाँ पर उद्योग धंधे लगे होते हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर सुविधाएँ उनको बेखूबी प्राप्त हो जाता है। और वह शहरी क्षेत्रों में नगरों में रहना पसंद करते हैं। खनिज संसाधनों समृद्ध क्षेत्र भी बड़ी जनसंख्या की आकर्षित करती है, यानी देखा जाए खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र भी बड़ी जनसंख्या को आकर्षित करती है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में बहुत धनी आबादी रहती है, यानी झारखंड के खनन क्षेत्र में अधिक आबादी इसलिए रहती है क्योंकि उनको जो है आसानी से यहाँ पर जो है रोजी रोटी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियाँ भी होती हैं जो रोजगार के अवसरों को काफ़ी बढ़ावा देता है। और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी इन क्षेत्रों में बेहतर है। हम जानते हैं कि भारत के बड़े नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कई अन्य जनसंख्या के उच्च घनत्व के केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इसलिए अधिक घनत्व है क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन एवं संचार। देखिए, अन्य भागों की तुलना में देश के कुछ भागों में परिवहन संचार सुविधाओं के साथ उत्तरी मैदान क्षेत्र में परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहा है, परंतु उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। देखा जाए तो परिवहन संचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ आसानी से परिवहन का सुविधा और संचार की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ सार्वजनिक सुविधाओं का विकास अच्छा है अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व मिलती है। कभी कभी हम पाते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की भी घनी आबादी पाई जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यही उपकारक जो संयोजन में कार्य करते हैं। हम गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का उदाहरण ले सकते हैं और यह कई कारकों का संयोजन कारण है, जैसे चौरस मैदान है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा है, अनुकूल जलवायु है, औद्योगिकरण, शहरीकरण और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जो है परिवहन संचार के साधनों का विकास भी हुआ है। दूसरी ओर बिहार पहाड़ी इलाके प्रतिकूल वातावरण में वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही विरल मिलती है या जनसंख्या बहुत ही कम होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिवहन संचार काफ़ी महत्व रखता है और कहते हैं मैदानी क्षेत्र उपजाऊ मृदा अनुकूल जलवायु औद्योगिक शहरीकरण काफ़ी अच्छी व्यवस्था होता है जनसंख्या का विकास करने के लिए, लेकिन इसके विपरीत अगर होगी तो जनसंख्या वहाँ पर निवास करना कभी भी पसंद नहीं करेगी। हमारे समक्ष जो यहाँ पर टॉपिक आया है जनसंख्या वृद्धि, देखिए जनसंख्या वृद्धि कई मायने में काफ़ी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन कहा जाए जनसंख्या अधिक हो जाए तो वो भी सर का दर्द बन जाता है और बहुत कारणों से जो है बेरोजगारी, भुखमरी, अपराध ये सब होने लग जाता है। इसलिए जनसंख्या कंट्रोल रहता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए। लेकिन देखा जाए हमारा इंडिया का अगर हाल की बात किया जाए तो ये तो हर एक देश को पीछे छोड़ के जनसंख्या में नंबर वन बन गया है। पहले चाइना थी लेकिन अब चाइना भी पीछे रह गया है जनसंख्या की वृद्धि में और भारत नंबर वन पर आ चुका है। और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या भारत में कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं सख्त कानून है तो कहीं बहुत ही ढीला कानून है और लोगों के कहते हैं धार्मिक विश्वास और लड़कों के प्रति अधिक आकर्षण एक बहुत से ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि का सबब बना है। अब इन्हीं कारणों का जो है हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू के जिससे ये प्रभावित होता है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। ठीक है, अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि तो किसी भी देश में मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या का गुणात्मक संबंध यहाँ के जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप के काफ़ी प्रभावित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या तो सही है बट ये किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए, किसी भी कहते सिचुएशन को प्रभावित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जनसंख्या की वृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। जनसंख्या की वृद्धि जो होगा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हालांकि दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जनसंख्या घट रही है और जनसंख्या परिवर्तन की दोनों स्थिति में मानव संसाधन गुणवत्ता पर उसको प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि जनसंख्या तेज दर से बढ़ती है तो जनसंख्या और देश के संसाधन के बीच एक असंतुलन की स्थिति बनेगी। तो जनरल सी बात है, आप देख सकते हो कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ेगी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। मान लीजिए किसी माता पिता के पास जो है 5 लड़के हैं, अब उनके पास जो ज़मीन के टुकड़े होंगे वो 5 टुकड़ों में बट जाएंगे। और मान लीजिए किसी माता पिता के पास सिर्फ 1 बच्चे हैं तो उनका ज़मीन में कोई बंटवारा नहीं होगा, सब उन बच्चों को ही एक ही बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। तो यही बात जो है बहुत बड़ी यहाँ विडम्बना बन जाती है। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया है, अगर उसको 5 भागों में अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो बहुत छोटा सा जोत बन जाता है। अब छोटा जोत बन जाएगा तो जर्नल सी बात है कि उसमें कृषि करना भी दुष्कम कार्य हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ने का आप समझ सकते हो कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और कितने नुकसान हो सकता है आने वाला समय में। तो ये सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए माता पिता के पास 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को काफ़ी अच्छा एजुकेशन देंगे, बहुत अच्छा रहन सहन खान पीन सब अच्छा रहेगा, लेकिन वही 5-6 बच्चे होंगे तो उनका रहन सहन खान पान बहुत ही घटिया दर्जे का होगा क्योंकि माता पिता उतना नहीं कर पाएंगे। तो यही बात महत्वपूर्ण आता है कि अगर हम किसी बच्चों को जन्म देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है उनका पालन पोषण, उनका देखभाल, सब कुछ। तो ये ज़रूरी बात यहाँ पर आ जाता है। और देखा जाए तो इससे जो होता है संतुलित भी बनी रहती है, लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा असंतुलन की जो है भावना पैदा हो जाएगा। जनरल सी बात है, अगर छोटी छोटी बातों पे लोग आपस में लड़ेंगे और देश में बहुत तरह की जो है समस्या भी उत्पन्न कर देंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज लोगों को जो है समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को एनालाइज करने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि आज के समय में लड़कों की चाहत ने जो जनसंख्या बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अगर उनको सही शिक्षा दिया जाए, सही संस्कार दिया जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और जनरली आपने भी देखा होगा
लड़कियों का अगर आप थोड़ा सा मौका दे के देखिए, वो आपको बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। और आज के समय में लड़कियों ने करके भी दिखाया है। इतिहास को पलट के पन्ने को देखिए और देखिए कि भारत में कितने बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। भारत की जनसंख्या लंबे समय से बढ़ रही है और वर्ष 1901 में जो है देखा जाए तो 238 करोड़ की आबादी से वर्ष जो है 2001 में 1028 करोड़ हो गई। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार जनसंख्या जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि एक सदी की अवधि में 4 गुना बढ़ी है, यानी एक देखा जाए तो एक सदी की अवधि में यानी 91 से 2001 के यानी एक सदी के अंतराल में 4 गुना बढ़ी है। कहाँ 200 के आसपास आंकड़े थे और कहाँ यहाँ 1000 पे पहुँच गया। तो आप समझ सकते हो कि 4 गुना से भी अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोपीय देशों में देखा जाए तो वहाँ पर जनसंख्या घट रही है, यानी पश्चिमी यूरोप देशों में अगर आप आंकड़ा इकट्ठा करो तो वहाँ पर देखोगे कि जनसंख्या वहाँ पर घट रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम उन कारकों की पहचान करते हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है और जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के कारक के रूप में अगर हम पहचानें तो 3 ही कारक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी भी देश जनसंख्या वृद्धि में 3 प्रमुख जनकीय कारक होते हैं। एक तो जन्म दर को ही माना जाता है, दूसरा मृत्यु दर को, और तीसरा जो है प्रवास। इन 3 कारणों से जो होता है जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी प्रभावित करता है। जनसंख्या और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले अनेकों सामाजिक आर्थिक कारक हो सकते हैं। अंत जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हालांकि चित्र 14.5 में भी हम देखेंगे और समझेंगे कि जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है। भारत में तीव्र गति से वृद्धि का कारण उच्च जन्म दर है एवं निम्न मृत्यु दर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास जनसंख्या वृद्धि में एक नगण कारक हो सकता है, क्योंकि प्रवास भी आज के समय में बहुत हो रहा है। आप देखिएगा तो गांव का क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या है और वही शहरी क्षेत्र में चले जाइएगा जनसंख्या अधिक नज़र आता है। इधर भी स्थानीय क्षेत्रीय सतहों पर प्रवास का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस ग्राफ में आप भली भांति समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए जो अगर हम 91 और 11 या 21 की बात करें, 1991 और 21 की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या स्थिर हो गई थी, मृत्यु दर और जो है जन्म दर सेम हो गया था। लेकिन उस समय से जब रफ्तार पकड़ी तो कहते हैं एक ही जगह धीमा पड़ा, वो भी देखा जाए तो 91 के आसपास जनसंख्या दर थोड़ी सी कमी। लेकिन कहते हैं आज जो है ये पैरेलल चढ़ती ही चली जा रही है। आज जनसंख्या जो है मृत्यु दर घट रही है, तो जनसंख्या भी घट बेशकली दिखाया जा रहा है, घट रहा है, लेकिन आज के जनरेशन की रिगार्डिंग सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है घटती हुई नज़र जरूर आ रही है। पहले उच्च हुआ था 1971 में, लेकिन 2001 में घटा जरूर है, लेकिन कहते हैं मृत्यु दर भी उसके साथ घट रहा है। यानी दोनों को दोनों जो है पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है ग्राफ, जो कि समझने के लिए पर्याप्त है कि जनसंख्या दर किस प्रकार जो है हमारे देश को प्रभावित कर रहे हैं और ज़रूरी भी है। इस ग्राफ में आप भली भांति सभी बातों का आपने अध्ययन कर लिया है, किस तरह जो है जनसंख्या दर को काफ़ी प्रभावित किया जाता है। कहते हैं मृत्यु दर 1921 में बाद से गिरावट रही है और इसी अवधि में जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है, परंतु मृत्यु दर में गिरावट की दर जन्म दर में गिरावट की दर से ज़्यादा रही है। यही कारण है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बढ़ता चला गया है, जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि काफ़ी यहाँ पर नज़र आ गई है। यदि हम यहाँ पर 10 के जनसंख्या वृद्धि पर नज़र दौड़ाते हैं तो भी यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या के 10 की वृद्धि में मामूली गिरावट नज़र बेशकली आई है, लेकिन 1981 से लेकर 1991 तक और 1991 से 2001 के बीच में यह एक जो है सुखद संकेत जरूर मिले हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि घटते वृद्धि दर के बावजूद भी शुद्ध जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती चलती जा रही है और सर 1901 से लेकर 2001 तक के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर के परिणाम के आधार पर पूरी अवधि के 4 भागों में बांटा जाता है। कहते हैं स्थिर, क्रमिक और धीमी वृद्धि, उच्च वृद्धि और घटते अवस्था की जनसंख्या वृद्धि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ दर्शाया गया है। अब देखिए जन्म दर का अगर हम डेफिनेशन देखिए तो कहते हैं एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में कुल जन्म बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है। यानी एक निश्चित भूमि भाग पर
किसी दिए वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या की तुलना में कुल जन्म बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है और इसे हम जन्म दर कहते हैं। और जन्म दर को जो है बहुत ही आसान रूप में जो है हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र से प्राप्त वर्ष के अंतर जिंदा बच्चों के जन्म की संख्या और उसको अपॉन में उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या गुना 1000 कर दीजिए, आंसर बेखूबी आ जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी जिले में एक वर्ष के दौरान जिंदा जो है जन्म बच्चों की संख्या 800 रही है किसी जिले में और अर्धवासी जनसंख्या जो थी वहाँ पर 25000 थी, तो जन्म दर को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ऊपर 800 लिखोगे, नीचे 25000 लिखोगे, गुना 1000 करोगे, 1000 से अगर काटोगे 3 जीरो कट जाएगा और ऊपर रहेगा 800 और नीचे रह जाएगा 25, 25 को 800 को 25 से डिवाइड करोगे तो 32 समथिंग आंसर आएगा, यानी 32 जो है इसका एनुअली जन्म दर होगा, यानी 32 जो है जन्म दर के अंतर्गत आ गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसी बात को मृत्यु दर के अंतर्गत समझिए। अब देखिए मृत्यु दर क्या होता है, कहते हैं एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्षों में प्रति हजार जनसंख्या में से होने वाली मौतों की संख्या नहीं शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है, यानी एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्षों में प्रति हजार जनसंख्या में से होने वाली मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है और सामान्य तौर पर इसे मृत्यु दर भी कहते हैं। अंततः इसको जो है फॉर्मुलेट ऐसे कर सकते हो कि मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतराल मरने वाले लोगों की संख्या बटा उसी क्षेत्र में मध्य वर्ग की वर्ष की जनसंख्या या गुना 1000। मान लीजिए किसी एक जिले में एक वर्ष के दौरान मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो थी 600 थी और अर्धवार्षिक जनसंख्या जो थी 25000 है, तो जनरल सी बात है इसको जो हम करेंगे मृत्यु दर इज इक्वल टू ऊपर हम 600 लिखेंगे और नीचे 25000 लिखेंगे, गुना हम करेंगे 1000। 1000 से अगर देखिए 1000 से 3 जीरो जो है कट जाएगा, यानी 3 जीरो कट जाएगा, 25 रह जाएगा, ऊपर 600 रह जाएगा, तो 600 को 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 प्रति हजार जनसंख्या आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें कितनी जो है अंतर में वृद्धि हुई है तो उसको जो है हम आगे कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं अगर हम प्राकृतिक वृद्धि दर जाने, अगर हम मृत्यु दर और जन्म दर को हमने कैलकुलेट कर लिया, जन्म दर हमारा 32 था, मृत्यु दर हमारा 24 थी। कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है और इसलिए प्राकृतिक वृद्धि दर इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। यानी मान लीजिए किसी खास वर्ष में एक क्षेत्र के लिए जन्म दर जो है 32 है और मृत्यु दर जो है 24 है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी हुई, 32 माइनस 24। यहाँ पर गलत आंकड़े लिए हुए हैं, गलत आंकड़े लिखे हुए हैं, ठीक है, तो 32 माइनस 24 होगा तब जाके आपका जो है यहाँ पर आंसर जो होगा 8 आएगा। तो 8 प्रति हजार जनसंख्या होगी, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 32 माइनस 24 है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पर आप इस चित्र से भी समझ सकते हो कि भारत में दर्श की जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार जो है वृद्धि की अपनी चरम सीमा पर पहुँचती चली जा रही है। अब देखिए इसको जो है 2001 तक की आंकड़ा या 1991 से 2001 तक की आंकड़ा, यानी 100 वर्षों का अंतराल लिया गया है, जो इंसान छोटा दिख रहा है अब देखिए कितना विशाल रूप धारण कर लिया है, कहाँ पर 23 करोड़ के आसपास थी, यानी 23 करोड़ों में है और आप देखिए यहाँ पर 102.87 करोड़ हो गई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर 102 अरब जनसंख्या छू लिया है 2001 के अनुसार, अगर वही हम 2023 तक बात करें तो 132 अरब जनसंख्या हो जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है कि इतनी अधिक जो है वृद्धि दर को यहाँ दर्शाया गया है और आप समझ सकते हो। जैसा कि हम 20वीं सदी के आरंभ में देखते हैं भारत की जनसंख्या 1921 को छोड़कर जो है शुरू रूप में बढ़ी है और 1921 को भारतीय जनसंख्या के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है और 1921 को जो है देखा जाए तो जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन का दौर माना गया है। और आइए भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि दर के कारणों को समझने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में जो है निरक्षरता है यानी अनपढ़ता, शिक्षा के निम्न स्तर हैं। आज देख ही सकते हो कि शिक्षा का स्तर कितने गिरता चला जा रहा है। कहते हैं बच्चे का आज के समय में देखा जाए तो माइंड बहुत ही सॉफ्ट हो गया है चीज़ की तरह, क्योंकि पहले के समय में इतने सिलेबस हुआ करता था और आज के समय में देखिए कितना कम सिलेबस है, बच्चों को एक से दो चैप्टर तक भी ढंग से याद नहीं हो पा रहा है।
तो समझ सकते हो कि शिक्षा का स्तर कितना नीचा गिर गया है और इस कारण से निरक्षरता जो है बढ़ता जा रहा है। सरकार ने बेशक लिए 8वीं क्लास तक बच्चों को प्रमोट करने का जो प्रावधान बनाया है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि इससे बच्चे का जो है मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है और इसमें सोचने की आवश्यकता है। कहते हैं सरकार, कहते हैं उस अवस्था से नहीं गुजरी है, तो सरकार को क्या पता, जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पूछे, बड़े बड़े जो टीचरों से पूछे, क्या बच्चे का मानसिकता आज वो मानसिकता है जो 20 साल पहले थी? तो कोई भी टीचर यही बात कहेगा, आज का जो बच्चे हैं वो बात नहीं है जो पहले होना चाहिए। आज के बच्चों को सरकार ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम में फंसा दिया है, मोबाइल गेमिंग में। कहते सरकार ने नेट को फ्री करवा दिया, इसलिए कि जितने बच्चे थे सब नेट के अंतर्गत जो है वीडियो गेम में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता है। और ये सब क्या हुआ? आधुनिकीकरण के कारण। सरकार बेशक लिए अपना पीठ थपथपा रही होगी कि हम तो आधुनिक युग बना दिए, हम तो कहते कंप्यूटराइज दुनिया बना दिए, लेकिन सरकार को आगे चल के सोचना पड़ेगा। और अफसोस होगी कि जो उन्होंने मॉडलाइज दुनिया बनाया है उसमें सारे बच्चे तहस नहस हो रहे हैं। आए दिन आपने न्यूज़ में देखते रहते हो, गेमिंग के चक्कर में कभी कोई धर्मांतरण हुआ, कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने पैसे लगा डाले। तो सरकार को क्या ये न्यूज़ मिलती नहीं है कि उनके द्वारा जो नेट फ्री करवाया गया है, जो सिस्टम उन्होंने किया है नेट का, उसका क्या प्रभाव जो है पूरे संसार में देखने को मिल रहा है? और सबसे अधिक कहते हैं भारत में इसका प्रभाव देखने को मिला है। आज के बच्चे बेशकली बहुत सॉफ्ट माइंड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो है मानसिक विकास नहीं हो रहा है। बच्चों को भी पता होता है कि 8वीं तक तो हमें स्कूल वाले ऐसे ही पास कर देंगे, तो वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप जो है बहुत परेशान होते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, नहीं होता है, तीन तीन जगह ट्यूशन लगाते हैं। लेकिन क्या करें, जब बच्चे का खुद ही मन ना पढ़ने का हो तो उसको कौन पढ़ा सकता है? यही बहुत बड़ी विडंबना बात है। तो देखिए, अगर आपके भी बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं, अगर वो गलत चीज़ों पर आकर्षित हो रहे हैं, तो समझिए कि आपका बच्चा भी बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। और आपको पता है कि नेट पे अच्छी चीज़ें कम और बुरी चीज़ें अधिक होती है। जो चीज़ बच्चों को 25 साल के बाद समझ में आनी चाहिए, आज तो जब जन्म लेते हैं बच्चे उनको भी उन बातों की बहुत समझ होती है, जिसके कारण अपराध दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपराध बढ़ने का, आतंकवाद बढ़ने का और जो है लोगों की मानसिकता चेंज होने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में इंटरनेट ही है, चाहे सरकार इस बात को समझे चाहे न समझे। और कहा जाए तो शिक्षा के निम्न स्तर जो बहुत ही बुरा प्रभाव दिखा रहा है, उसके बाद असंतोषजनक स्वास्थ्य भी असंतोषजनक ही देखने को मिलता है। पोषण की स्थिति और गरीबी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इन सब कारकों में। पुरुष बच्चों की विधेयता, आपको पता है पुरुष बच्चों का अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि क्योंकि वो लड़के होते हैं, वो कमा के खिलाएंगे, यही माता पिता का जो है मानसिकता बन जाती है। और जिसके वजह से एक लड़की जन्म लेता है, फिर दो लड़की जन्म लेता है, फिर तीन लड़की, लड़के के चाहत में वो 5-6 बच्चे जन्म हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ती चली जाती है। छोटे उम्र में शादी भी सबसे बड़ी समस्या होती है। कहते हैं सरकार ने कदम इतनी बड़ी उठाई है कि जो है लड़का लड़कियों को उम्र बढ़ा दी गई शादी का, लेकिन फिर भी गांव दराज में आप चले जाओ तो वहां पर ही आज के समय में भी 15-16 साल में जो है बच्चों की शादी कर दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी सोचने की बात है। धार्मिक विश्वास भी बहुत खतरनाक आज के समय में है। हम बेशकली मॉडलाइज हो चुके हैं, लेकिन हम धर्म के अंतर्गत हम पीछे हैं अभी। महिलाओं का समाज में निम्न स्तर आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। आज महिलाओं का भी समाज में कम स्थान है, तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये सारे कारण जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बनते हैं। तो इन चीज़ों से हमें जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनसंख्या संरचना, देखिए जनसंख्या संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र के लिए। हमने अभी तक जनसंख्या के वितरण, धनत्व वृद्धि और अध्ययन किया है, और आप समझते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या परिवर्तन की गति और प्रवृत्ति का निर्धारित करती है। वास्तव में प्रभाव जनसंख्या संरचना को प्रमाणित करता है, और यह न केवल देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि की गति, बल्कि मानव जो है संसाधन गुणवत्ता को भी निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या है?
जनसंख्या संरचना जनसंख्या के वर्णन करता है, जिसमें विभिन्न जो है विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, जैसे उम्र, लिंग, ग्रामीण, शहरी, साक्षरता की स्थिति। इसलिए हम भारत में जनसंख्या संरचना के निम्नलिखित पहलुओं को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जनसंख्या की संरचना कौन चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। यहाँ पर हम 3-4 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। देखिए, यहाँ पर आयु संरचना आ जाता है, लिंग संरचना आता है, ग्रामीण शहरी संरचना और साक्षरता। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम जाने बिना जनसंख्या की वास्तविकता संरचना के बारे में हम जान नहीं सकेंगे। चलिए देखते हैं पहला जो है आयु संरचना क्या कहता है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आयु संरचना, कहते हैं देश के वर्तमान और भविष्य के विकास के लिए आबादी की उम्र संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता ही है। सामान्यतः आबादी को 3 वर्गों में रखा जाता है, बच्चे जो कि 0 से 14 वर्ष यानी 0 से 14 वर्ष तक होते हैं, और ब्याज जो 15 से 60 वर्ष तक के दिखाया जाता है। वहीं वृद्ध अवस्था को जो है 60 वर्ष की उम्र में से ज़्यादा माना जाता है। और 3 वर्गों में भारतीय आबादी की उम्र संरचना का चित्र जो यहाँ पर दर्शाया गया है, भली बात ही आप समझ सकती हो। यदि हम 1971 के आंकड़े को तुलना करें तो यह स्पष्ट है कि बच्चों की संख्या में गिरावट और व्यस्त संख्या में वृद्धि हो रही है। तो फिगर देख के भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं चित्रों में क्या प्रदर्शित किया गया है। अब इन चित्रों में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे जो है समय बीतता गया है, काफ़ी महत्वपूर्णता यहाँ पर दर्शाया गया है। जनसंख्या के चुने हुए बोर्ड समूह की उम्र संरचना यहाँ दर्शाया गया जो 1961 से 2001 तक की है। जनसंख्या में देखिए चाइल्ड जो है बच्चे जो कि 0 से 14 वर्ष है 2001 में कम गया है, कहाँ 41% थी अब कहाँ 35% है। वहीं अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्गों में जो है 60 से प्लस संख्या बढ़ी है, और वहीं अडल्ट की बात करें तो ये जो है सामान्य तौर पर जो है काफ़ी इंक्रीज ना होके भी सामान्य रही है, क्योंकि अगर हम देखें 91 में तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन 2001 में कम गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चित्र जो है दर्शा रहा है, और आप समझ सकते हो कि इससे जो है किस प्रकार हम जो है जनसंख्या संरचना को समझ सकते हैं। हालांकि वृद्धि की आबादी भी बढ़ रही है, जैसे कि जैसे आबादी बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, काफ़ी बढ़ रही है, और वृद्धि और बच्चों की कुल आबादी की आश्रित आबादी कहते हैं, यानी देखा जाए तो वृद्ध और बच्चों की कुल आबादी को हम आश्रित आबादी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कार्य करने वाले व्यक्तियों पर आश्रित होते हैं, बच्चे और वृद्ध। जब आश्रित आबादी संख्या बढ़ती है तो निर्धनता अनुपात ज़्यादा हो जाती है। जनरल सी बात है, निर्धनता तो बढ़ेगी, जब बच्चों और बुजुर्गों की जो है संख्या बढ़ेगी तो जनरल सी बात है कि आश्रित की जो है बढ़ जाएगी, और इस कारण सरकार को बच्चे के विकास और वृद्धि कल्पना पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अगर ऐसा न हो तो इसने संसाधनों को अन्य विकास में मदों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए इसको मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करें। अब देखिए, इसी को अगर हम मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करें तो निर्भरता अनुपात अगर हम पता करें तो देखिए, सबसे पहले तो आएगा ऊपर निर्भर जनसंख्या यानी जो है 0 से 14 वर्ष और 60 से अधिक साल, और कार्य जनसंख्या कितने जो है कार्य में लगे हुए हैं, गुना 100 करेंगे हम। मान लीजिए किसी एक ज़िले की निर्भर जनसंख्या जो है 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक 7000 व्यक्ति हैं, और कार्य जनसंख्या जो है यहाँ पर कितने हैं आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आ जाता है 18000 है। तो निर्भरता अनुपात क्या होगी, आप जो यहाँ पर रखोगे 7000 ऊपर रखोगे और 18000 नीचे रखोगे, गुना 100 करोगे, तो आपको जो है यहाँ पर आएगा कहते हैं 38 कुछ समथिंग आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब इस बात को समझिए कि इसका मतलब यही हुआ कि 100 व्यक्ति अगर हैं तो 100 व्यक्ति में 39 जो 38.8 समथिंग आया था तो हम 39 उसको मान लेते हैं, तो 39 व्यक्ति निर्भर हैं और 61 व्यक्ति कार्यात हैं, यानी 61 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 39 व्यक्ति जो है उस पर आश्रित हैं। तो ये निर्भरता अनुपात जो है भली भांति आ जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा निर्भरता अनुपात हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें किशोर एक अलग जनसंख्या समूह के रूप में, अगर किशोर की बात करें तो एक अलग जनसंख्या के रूप में जनसंख्या उम्र संरचना को समझने के लिए विशिष्ट समूह के बीच में युवा वर्ग पर जोर देना
जो नवीनतम दृष्टिकोण रहेगा। कहते परंपरा रूप से जनसंख्या को हम तीन चरणों में विभाजित कर सकते हैं, बचपन, व्यस्तता और बुढ़ापा। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों ना तो बच्चे और ना ही व्यस्क होते हैं। यदि आप अपने जीवन के उस दौर में हो तो आप अपने माता पिता या अन्य व्यस्क से कहे सुने होगा, क्या तुम यह कह रहे हो, कर रहे हो, अब तुम एक बच्चा नहीं हो। यानी ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, क्या तुम कर रहे हो, अब तुम बच्चे नहीं हो। दूसरे समय वही व्यक्ति भी कहे होंगे, यह तुम कैसे कर सकते हो, तुम अभी व्यक्ति नहीं हो। वास्तव में बचपन और व्यस्तता के बीच जीवन के चरण को जो है 10 साल से 19 साल या कुछ और साल के बीच में हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। किशोर अवस्था के रूप में जाना जा सकता है और इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को किशोर के रूप में पहचानते हैं। अब देखिए किशोर अवस्था से क्या मतलब यहाँ निकलता है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा उम्र की संख्या के आधार पर इस तरह से दिया गया है, किशोर जो होते हैं 10 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं, युवा जो होते हैं 15 से 24 वर्ष के बच्चे होते हैं, अकामसीन बच्चे जो होते हैं 10 से 24 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब आय समूह के रूप में किशोरों के मात्र उनके उम्र के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि किशोर अवस्था की अवधि हर एक व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। किशोर व्यक्तियों के विकासात्मक अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बाल्यावस्था के अंत से व्यस्त अवस्था के आरंभ तक होती है। किशोर अवस्था के उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जो है शारीरिक, मनोविज्ञानिक, सामाजिक प्रवृत्ता आती है जो यौवन आरंभ या यौवन पूर्ण प्रजनन प्रवृत्ता तक होती है। तो आप समझ सकते हो कि सभी के मापदंडों में कहते हैं यहाँ युवा अवस्था अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। अब कोई किशोर अवस्था जो है 10 से 19 बच्चों को कहते हैं, युवा 15 से 24 कहा जाता है, और कम सिन जो है 10 से 24। आखिर सबकी अलग अलग डेफिनेशन है और सबकी अलग अलग मानसिकता है। यहाँ पर किशोर भारत की कुल आबादी का लगभग 22% भाग विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में है। यानी भारत में देखा जाए तो किशोर अवस्था की जो आबादी ली हुई है वो 22% है। 22% लोग जो हैं किशोर अवस्था के अंतर्गत आते हैं। यह प्रतिशत 2001 के जनगणना के अनुसार है और उनकी जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है और वर्तमान में 2009 में उनके प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ गई है। कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भी कम ध्यान दिए गए समूहों के रूप में माना गया है, क्योंकि उनकी जरूरतों को अभी तक जो विशेष तौर पर संबोधित नहीं किया गया है। और यह जनसंख्या नीति किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं के संबोधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उल्लेख करती है। और ये है किशोर अवस्था में होने वाली शरीरात्मक, मनोविज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन विकास के बारे में पुण्य एक ठीक जानकारी उपलब्ध कराना। कहते खतरनाक स्थिति में बचने और सही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उचित एवं जरूरी जीवन शैली विकास कर उन्हें सशक्त बनाने की भी प्रयास किया जा सकता है। अब इस चित्र से आप समझ सकते हो कि भारत में लिंग अनुपात का रुझान किस प्रकार से है। सेक्स रेशियो आप देख सकते हो कि 1000 पुरुषों के अंतराल में स्त्रियों की संख्या जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइम में दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि औरतों की संख्या जो है जर्नली यहाँ पर 1000 पुरुषों के बीच बहुत ही कम ही दर्शाया गया है। इवन कि मॉडलाइज दुनिया में आज तो और भी कम हो गया है। कुछ ही राज्य हैं जिनका जो है संतोषजनक जो है सेक्स रेशो है, बाकी बहुत सारे राज्य जो विकसित भी हैं उनका सेक्स रेशो बहुत ही कम है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लिंग संरचना। देखिए मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश जनसंख्या के लिए लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक होता है। वास्तव में यह मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और किसी भी समय पर पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति पनपने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। लिंग अनुपात जो है अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा से महिलाओं के लिए प्रतिकूल ही बनी रही है और ये चिंता की बात है। और यह गिरावट लगातार बनी हुई है। वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 972 महिलाएं थी, तो कहा जाए तो उस समय कुछ संतोषजनक अवश्य थी, लेकिन वही बात करें वर्ष 2001 में यह घटकर 933 आ गई है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी जो है गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हो कि इंसानों का विचार जो है स्त्रियों के प्रति कितनी जो है गिरी है।
अब देखिए लिंग अनुपात गणना की प्रक्रिया को समझे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लिंग अनुपात निकालना बहुत ही सरल है। अब देखिए लिंग अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो है कुल स्त्रियों की संख्या रखेंगे और नीचे जो होगा उसी क्षेत्र में कुल पुरुषों की संख्या और गुना 1000 करेंगे। मान लीजिए किसी एक ज़िले में महिलाओं की संख्या कुल संख्या का 12000 है और पुरुषों की संख्या जो देखा जाए तो 13000 है। अब लिंग अनुपात कैसे निकलेगी, ऊपर हम रखेंगे 12000, नीचे रखेंगे हम 13000, ठीक है, और गुना करेंगे 1000 से। अगर जब इसको कैलकुलेशन करके निकालोगे तो इसको जो यहाँ पर आएगा 923 आएगा। तो 923 जो है स्त्रियों की संख्या है 1000 पुरुषों के अंतराल में, यानी 1000 पुरुषों के अंतराल में सिर्फ 923 स्त्रियां हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 923 स्त्रियां ही होगी। तो ये अनुपात बहुत ही चिंताजनक साबित हो सकता है आने वाला समय में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बाल लिंग अनुपात। कहते हैं देश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट की प्रवृत्तियाँ बड़ी ही चिंता की बात है। और कहते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु जो है बच्चा जनसंख्या में लिंग अनुपात लगातार कम होता जा रहा है, यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चों की अनुपात है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जबकि 1991 से 2001 की जनगणना के अनुपात जो है समग्र जिला अनुपात में मामूली सा सुधार दर्शाया गया था। जबकि कहते हैं 0 से 6 वर्ष के बीच की अवधि में लिंग अनुपात में तेज़ी से कमी आई है। और कहते हैं 28 राज्य और 7 संघीय शासित क्षेत्र से केवल 4 राज्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। ऐसे तो अभी आंकड़ा ये बदल गया है, यहाँ पर 28 राज्य के हो गए हैं और 9 जो है संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आंकड़ा बेशकली बदली है, लेकिन देखा जाए तो इन 4 राज्यों में यानी केरल, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप शामिल है क्षेत्र में बाल लिंग अनुपात समग्र लिंग अनुपात के अनुरूप है। और बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और संघीय शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली काफ़ी बुरी अवस्था में है। तो आप समझ सकते हो कि जो क्षेत्र काफ़ी विकसित हैं वो क्षेत्र बहुत ही बेकार हैं। कहते हैं बाल लिंग अनुपात इस बात को दर्शाता है कि इन राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या की प्रथा अभी भी बेखूबी और जड़ल्ले से चल रही है। कहते हैं आप देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ का नाम आ रहा है और चंडीगढ़ देखा जाए तो काफ़ी पढ़े लिखे के शहर माना जाता है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है यहाँ पर इस अवस्था को दर्शाया गया है। इवन कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, तो इन क्षेत्रों में अगर ऐसी हालत होगी तो देखिए कितनी बुरी हालत इन्होंने बना दिया है। जनरल सी बात है, इन क्षेत्रों में जो कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल करती हैं। बेशकली इन चीज़ों पर बैन लगी हुई है, लेकिन कहा जाता है कि सरकार तो सिर्फ रूल बनाया जाता है लेकिन उसको लागू कहीं नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। अब कहीं भी जाओगे यही बात लिखी होती है कि लिंग पता करना कानूनी अपराध है और इसे दंडनीय अपराध माना जाता है, लेकिन कहते हैं पैसे के आगे सब बेकार हो जाती है। और वो लोग समय रहते ही लड़के का पता लगा लेते हैं, लड़कियों का पता लगा लेते हैं और गर्भ को जो है नष्ट भी कर देते हैं। तो इन कारणों से जो है लिंग अनुपात कम होना स्वाभाविक बात है और ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने हमारी जीवन को बेशकली सरल बनाई है लेकिन कई जगहों पर ये हमारे लिए बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्य काफ़ी सभ्य माना जाता है, काफ़ी एजुकेटेड माना जाता है, उन राज्यों में ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये नकारने वाली बात नहीं हो सकता है। पता चलता है कि यह व्यवहार एक सभ्य समाज के नियमों के खिलाफ है। तो समझ सकते हो कि सभ्य समाज के नियमों के ये खिलाफ है लेकिन फिर भी ये हो रहा है। उसके पश्चात आता है ग्रामीण शहरी संरचना। कहते हैं भारत किसानों को भूमि माना गया है और भारत गांव देश रहा है। 20वीं सदी के शुरुआत में 10 लोगों में से 9 लोग जो थे गांव में रहते थे, यानी 10 में से 9 लोग गांव में रहते थे, इक्का दुक्का गांव से शहर की तरफ प्रयाण करते थे। हमारी आबादी का लगभग 3/4 लोग अभी भी ग्राम में ही रहते हैं, यानी ग्रामीण समाज में ही आज के समय में रहते हैं 1/4 लोग। भारत में शहरी क्षेत्र कहा जाता है जहाँ 1/3 से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर कृषि कार्य में संलग्न है, यानी शहरों में ये जो है गैर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य में संलग्न होती हैं। जनसंख्या कम से कम
5000 तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग शहरीकरण की ओर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसके साथ इसकी दुष्परिणाम जैसे आवास की कमी, जल, बिजली और पर्यावरण जो है अतिक्रमण आदि निहित रहेगी। तो बात जर्नल सी बात है, आवास की कमी रहेगी, जल की प्रॉब्लम आएगी, बिजली की प्रॉब्लम आएगी, तो ये समस्या आज के समय में शहरों में आम हो गई है। अब यहाँ पर चित्र जो दिख रहा है भली भांति आपको समझाने के लिए पर्याप्त है ग्रामीण शहरी जनसंख्या। अब देखिए 1951 की बात करें तो जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 299 व्यक्ति ही गांव में थे और सिर्फ 62 व्यक्ति ही शहर के क्षेत्र की तरफ कल्याण करते थे। अब ये धीरे धीरे देखिए कैसे आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये आंकड़े बढ़ेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत ही बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी न मिलने के कारण ऐसा होता है। आज गांव में हर व्यवस्था नहीं है इसलिए लोग शहरों की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। उसके पश्चात आता है साक्षरता दर। देखिए साक्षरता किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जैसा कि जनगणना रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है कि 7 वर्ष या उससे ज़्यादा का व्यक्ति किसी भी भाषा में समझने के साथ लिखना और पढ़ना जाने, यानी 1951 में हमारे दिन साक्षरता दर जो थी 18.33% थी और वही 2001 में बढ़कर 65.37% हो गई। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, 7 वर्ष का बच्चा जो पढ़ना लिखना समझता हो वो साक्षरता दर के अंतर्गत आता है। लेकिन आज देखा जाए तो शिक्षा का दर बहुत ही गिरा हुआ है। आज जो आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं वास्तविकता में उससे अलग ही रूप रंग दिखते हैं। ठीक है, भारत में साक्षरता दर की बात करें तो 1951 से 2001 के बीच में बहुत चेंजेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि हमारे देश में बहुत काफ़ी तरक्की हुई है, 2001 में 65% तक आ गई है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। क्योंकि मैं एक नीति से आपको अवगत करा दूं कि सरकार ने 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है ऐसे ही पास करने का प्रावधान किया हुआ है, चाहे बच्चे पढ़े चाहे अनपढ़ हो सब के सब पास हो जाएंगे। ये प्रावधान जो किया गया है 8वीं क्लास तक बच्चों का, ये बहुत ही विडम्बनापूर्ण है, क्योंकि बच्चे वो समझदार आज नहीं बने हुए हैं जो उनको होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर बेशकली आंकड़ा जो है 65% से आगे बढ़ गया हो, लेकिन देखा जाए तो अभी वास्तविकता से बहुत ही दूर है, क्योंकि सरकार के आंकड़े में तो ये आ गए कि 8वीं से पास हो चुके हैं, सारे रिकॉर्ड इनको पास चला गया, लेकिन सरकार ने इस बात का कभी भी एनालाइज नहीं किया कि बच्चों को क्या समझ में आता है, पढ़ना लिखना आता है, तो इस बात का उन्होंने कभी भी जो है एनालाइज नहीं किया। इन्हीं कारणों से जो है आज साक्षरता दर इतनी अधिक आपको नज़र आ रही है, लेकिन वास्तविकता में ये बात सत्य नहीं है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में केरल उच्चतम साक्षरता दर है, यानी केरल में देखा जाए तो साक्षरता दर 90.86% है, तो ये काफ़ी अधिक है, केरल को उच्चतम माना गया है। यही मिजोरम में जो है 88.49% है और लक्षद्वीप में जो है 97.52% है। लेकिन सामान्य रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाएं साक्षरता दर बहुत ही कम है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की साक्षरता दर जो है आज भी कम है। किसी भी देश की आबादी वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन मात्र संख्या के आधार पर ही नहीं बन सकता है। देश की जनसंख्या विशेषताओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश को एक बड़ा सा निवेश करना पड़ता है, ताकि बड़ी संख्या को एक संसाधन के रूप में परिभाषित किया जा सके। देश की आबादी को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए दुनिया कई अन्य देशों की तरह भारत भी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करता है, और इसलिए अगले अनुभाग में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार के जनसंख्या नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत में जनसंख्या नीतियाँ, देखिए भारत में जनसंख्या नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये भारत के जो है नीतियों के अनुसरण भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नीति अपनाने की जरूरत पर जो है विचार विमर्श स्वतंत्रता से पहले से ही शुरू हो गया था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही जनसंख्या नीतियों के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कस हुआ था। अंतिम सरकार द्वारा 1938 में एक राष्ट्रीय योजना सम्मिलित स्थापित की गई, जिसने जनसंख्या पर एक उप समिति जो है बनाई, और इस समिति ने 1910 में अपने संकल्प में कहा कि सामाजिक जो है अर्थव्यवस्था, परिवार की खुशी और राष्ट्रीय योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है। तो इस बात की पहले ही चिंता कर दी गई थी 1910 में ही,
और 1910 में ये बात पूरी तौर से कहा गया कि खुशी और राष्ट्रीय जो योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जो राष्ट्रीय जन्म जनसंख्या परियोजना पर बल देते हुए कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। यानी 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आवश्यकता स्तर पर जो जनसंख्या स्तर को स्थिर करना था, यानी इसका उद्देश्य जो था जनसंख्या को स्थिर करना था। भारत जब से समय समय पर जनसंख्या नीतियों में सुधार करता रहा है, जिसके विस्तार से जानकारी संगत किताबों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे बहुत से किताब हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। आप उच्च कक्षा में भी इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। वर्तमान में हम नवीनतम जनसंख्या नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाया गया था। चलिए देखते हैं 2000 में कौन सी नीतियों का अनुसरण किया गया था। यदि बात हम करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण में गुणवत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय योजना यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो अपनाई गई थी, ये गुणवत्ता को दर्शाता है और यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता है। यानी सीधे तौर पर जो जनसंख्या का नियंत्रण इस पर स्थापित नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है। देखिए, जब तक लोगों के जीवन में सुधार नहीं किया जाएगा, जनसंख्या नीति को जो है अनुसरण करना संभव नहीं है। जब तक लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं बनेंगे, तब तक जो है जनसंख्या को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है, तभी तो आर्थिक और सामाजिक विकास के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया और उनके कल्याण में वृद्धि भी करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और समाज में लोगों का जो है सुअवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी जो परिसंपत्ति के रूप में विकसित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। जनसंख्या स्थिर करना तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यक था और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन उद्देश्य, जिसके अंतर्गत गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य देखभाल और सभी चीज़ों पर जो है बहुत ही जोर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कृत सेवाएं प्रदान भी किया गया। मध्यकालीन उद्देश्य कुल जो है जन्म दर को 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना था। यानी देखा जाए तो मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को जो है 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना था। उद्देश्य महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो हो नहीं सका, जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचलन राजनीतियों की जोरदार कार्यवंत नीतियाँ थी। कहते अगर देखा जाए तो 2045 तक इस कार्यक्रम को जो है पाने का पुरजोर कोशिश करने में अग्रसर है और रखा गया था लक्ष्य कि देखा जाए तो 2045 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो लक्ष्य रखा गया है उस पर दूर दूर तक जो है कुछ भी हासिल किया हुआ नज़र नहीं आता है। अगर आगे हम बात करें प्रतिस्थापन सतह पर कुल प्रजनन क्षमता दर को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यह कुल प्रजनन दर है जिसमें एक नवजात बच्चे अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है। यानी प्रतिस्थापन सतह पर कुल जनन क्षमता दर, यानी देखा जाए तो प्रजनन दर जिसमें एक नवजात बच्ची अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है। और अधिक जो है परिचित शब्दों में हर औरत उतने ही बच्चों को जन्म देती है जिसे वह प्रतिस्थापित हो रही है। यानी जनरल सी बात है, हम दो हैं तो हमारे दो हैं। यानी आप अपने दो के जगह पर दो प्रतिस्थापित करके जा रहे हो। यानी जनसंख्या इससे क्या होगा, कंट्रोल होगा, बराबर हो जाएगा कि हम दो हमारे दो, कहानी ख़त्म। आगे ग्रोथ, फिर हम दो हमारे दो, तो ये कंडीशन चलता ही रहेगा। लेकिन आज के समय में ये सिचुएशन उल्टा है, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापित का दर आज नहीं है और बहुत ही गलत है। इसका परिणाम शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है। अगर प्रतिस्थापन दर को अगर हम माने और इसी को स्थापित करें, तो जनरल सी बात है जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार की जनसंख्या उम्र के आधार पर वितरण एक सा ही होता है, जहाँ सामान्य दर से जनसंख्या वृद्धि होती है।
जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर एक सा ही होता है और जनसंख्या स्थिर रहती है, और एक स्त्री दर बढ़ती है, जहाँ प्रजनन और मृत्यु दर बराबर है, जनसंख्या स्थिर रहती है। तो इसे प्रतिस्थापन सर्वकुल प्रजनन क्षमता कहती हैं कि हम दो हमारे दो। मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होना संभव नहीं है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग महिलाओं का है, और फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें निम्न समझा जाता है। सरल तर्क के अनुसार यह मानव संसाधन के रूप में अपनी आबादी के आधे के योगदान को राष्ट्र से वंचित किया हुआ है, यानी इनका राष्ट्र के प्रति बहुत ही कम जो है योगदान होता है। जो भी विकसित विश्व में देखा गया है, अनुभव किया जाता है कि उसके विरुद्ध हैं। हमारे देश में महिलाओं की भूमिका खाना पकाने से परिवार की देखभाल करने के लिए सीमित ही कर दिया गया है। आज के समय देखा जाए तो समाज उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव, दुर्व्यवहार और अपराध के लिए मूल दर्शक बन के रह गए हैं। यानी जो भी महिलाओं के साथ बुरा होता है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है सरकार है और हमारा समाज है। कहते हैं रूल रेगुलेशन बनते हैं तो सिर्फ कागजों में ही बनती हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत से महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, फिर भी उनके साथ गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रूल रेगुलेशन जो है सख्त नहीं है। अगर आप देखिएगा किसी क्षेत्र में अगर बलात्कार हो रही है और वहाँ पर कानून में फांसी भी उसको दे दिया, फिर देखिए अगले क्षेत्र में वही काम हो रहा है, क्योंकि अपराध जो है डरे हुए नहीं है। सरकार अपराधों को पनाह देती है। कोई भी अपराधी होगा, कोई ना कोई मंत्री लोगों का रिश्तेदार निकल जाता है, और कैसे भी वो बच निकलती हैं। भारत में सख्त कानून होगा तब जो है बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति तक वैसे ही डरेंगे, लेकिन ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो मैं तो दोषी दो ही व्यक्ति को दूंगा, एक समाज को और एक सरकार को। सरकार ढीला रवैया अपनाता है इन चीज़ों औरतों के प्रति, और हमारा समाज भी जो है ढीला रवैया अपना रहा है, जिनके कारण अपराध दिन प्रतिदिन औरतों के प्रति जो है बढ़ता ही जा रहा है। और कई घटना ने हमें सबक भी दिया है, लेकिन हम उससे कुछ भी नहीं सीखे हैं। सरकार ने रूल रेगुलेशन बेसिकली बदल दिया है, लेकिन इससे कोई प्रभाव समाज में देखने को नहीं मिला है। और आपको मैं बता दूं कि सरकार भारतीय सरकार द्वारा संविधान में कई अनुच्छेद बनाए गए हैं इसके लिए, जैसे 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51 में को पढ़े तो पता चलेगा कि सभी के लिए न्याय और समानता का सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। यानी अगर आप इन सारे आर्टिकल को पढ़ोगे तो सब में जो है न्याय और समानता का सूचनाएँ प्रावधान किया गया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको एक सामान्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कई तरह के कानून पारित किए गए हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, गर्भ अवस्था के चिकित्सालय समापन अधिनियम 1971, और जो है 1978 की बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। तो कहते हैं बहुत से प्रावधान बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। कहते हैं रूल रेगुलेशन सिर्फ कागजी किताबों में बनते हैं, हकीकत ज़िंदगी में नहीं बनता है। आप एक बात ही लीजिए, औरतों के प्रति दहेज के प्रथा के रिगार्डिंग कितने जो हैं गलत औरतों के साथ होती है। और आपको बता दूं कि हमारे संविधान ने दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध घोषित किया हुआ है। लेकिन आप सोचिए किस क्षेत्र में दहेज नहीं दिया जा रहा, किस क्षेत्र में नहीं लिया जा रहा है। आज तो विडम्बना ही बदल चुका है। कहते हैं अगर लड़के अच्छे हैं तो लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले नहीं मांग रहे तो लड़के वाले मांग रहे हैं। विडम्बना ही बदलता जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कहते इसी कारणों से तो जो हमारा समाज बिगड़ गया है। जर्नल सी बात है कि दहेज किस लिए? पुराने समय में माता पिता जो होते थे अपनी बेटी को घर बसाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ सामान का प्रावधान करते थे, चलिए वो खुशी से देते थे। लेकिन आज के समय में चाकू गोली भिरा के उनसे दहेज वसूली जाती है। तो सोचिए, विचार कीजिए, हमारा समाज कहाँ पर आकर ठहर गया है। और ये बहुत चिंता का विषय है आने वाला समय के लिए। इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, और ये आशा की जाती है कि महिलाओं की स्थिति में गुणवत्ता परिवर्तन होगा, सिर्फ होगा। यही बात हम लोग भी आशा ले बैठे पड़े हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख
बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है 73वें और 74वें में संविधान संशोधन में पंचायती संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण किया गया है। यानी 73 या 74 आर्टिकल में आप देखिएगा जो कि पंचायती राज के अंतर्गत आता है, इसमें 33% जो है आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया कि महिलाओं को 33% जो है आरक्षित दिया जाएगा। यानी किसी भी महिलाओं को जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करने की बखूबी पूरी ही सब प्रावधान है। एक और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसके उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी हर क्षेत्र में महिलाओं को 33% का दर्जा दिया गया है। अब सोचिए संविधान ही जब 33% दे रहा है तो ये 50% कब होगा? मैं तो कहता हूँ आरक्षण की जगह पर महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और महिलाओं की भी भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितने भागीदारी पुरुषों की होती है। तो आप आरक्षण करके क्या दिखाना चाहती हो कि औरतें कमज़ोर हैं, औरतें आने की क्षमता नहीं रखती है? ये गलत है। औरतों को एक मौका को देख के तो देखिए, आपका 33 के जगह ना वो 65% अपना अधिकार हासिल कर लेगी। लेकिन आपने तो पहले ही औरतों को कमज़ोर बना दिया आर्टिकलों में। 33% आरक्षण किस बात के लिए? अरे उनको पहले मौका तो दीजिए। ये 33% आप अपने लिए आरक्षित रखिए। स्त्रियों के देखिए खुद अपने बलबूते पे हो जो है वो 65% हासिल कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 1990 में पारित अधिनियम के माध्यम से 1992 में अस्तित्व में आया था। आयोग को यह व्यापक आवंटित किया गया और इसमें महिलाओं के हितों की जो है सुरक्षा हेतु उनके साथ होने वाली दुर्व्यवहार की जानकारी की जांच पड़ताल करना भी शामिल है। कहते हैं अगर औरतों के प्रति दुर्व्यवहार होता है तो उस कानून का भी जो है दो रवैया होती है। कभी भी कहते ना, जब तक रूल रेगुलेशन सख्त नहीं बनेंगे, महिलाओं का दुर्व्यवहार के जो सिस्टम चलती आ रही है वो प्रथा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसका परम उद्देश्य उन्नति, विकास और महिलाओं को सशक्तिकरण के बढ़ावा देना है और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना है और यह कदम उनके जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगा। महिला सशक्तिकरण की जरूरतें और प्रयासों के बारे में हम आगे और विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अगले पाठ में हम सशक्तिकरण के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपान स्त्री सेंटर के साथ। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने जनसंख्या वृद्धि के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा किया और हर एक महत्वपूर्ण पहलू को जानने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि इसी से आप हेल्प कर सकती हो। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि त्रिपान सेंटर आपको पता ही है कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो उपलब्ध है। चाहे वो मेडिकल में पढ़ रहे हो, चाहे आर्ट्स में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, सबका वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। सिर्फ थोड़ा सा कोशिश करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्लेलिस्ट में जाने की आवश्यकता है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान सेंटर के साथ जुड़ जाइए।